मंडल के अध्ययन से मंडल देखने के लिए मंडल की व्यवस्थाओं के संचालन को और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष संजय दुबे जी, निवर्तमान अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीमान प्रदीप सरावली जी, झांसी विधानसभा प्रभारी नवाब सिंह जी, श्रीमान यश मिश्रा जी, राकेश सुभरे जी और यहाँ पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति में विश्वास रख करके मोदी और योगी के अभियान को आगे बढ़ाने की कामना लेकर के हम सब बैठे हैं। आज पन्ना प्रमुखों की बैठक है। बड़े लंबे समय से भाजपा की अपेक्षा थी कि हम वोटर लिस्ट पर पन्ने पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर पन्ना प्रमुख लोग हाथ उठाएंगे, कौन कौन लोग पन्ना प्रमुख सब है तो मालूम नहीं है ना हमको, और आप जो बताओ ना हमको, अगर सब है हम कह रहे तो फिर किसे मालूम है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए माने जी अभी पन्ना प्रमुख के दायित्व से मुक्त है। भैया देखो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अरे ये सम्मेलन थोड़ी था भैया, ये पन्ना प्रमुखों का आयोजन था और पन्ना प्रमुखों की गिनती कर लो जरा। भैया हाथ उठा लो, पन्ना प्रमुख जिन्हें जानकारी है वो, बाकी लोग भी तो कहीं रहते हैं किसी ना किसी पन्ने पर, उनको यदि जानकारी ही नहीं है तो फिर वो काम क्यों करेंगे। अरे आप अध्यक्ष जी आपने ठीक बता दिया, लेकिन हम जो निवेदन कर रहे कि हम लोगों ने जिनको आमंत्रित किया था मुख्य रूप से पन्ना प्रमुखों के साथ बैठना था, और पन्ना प्रमुखों में भी आधे लोगों को मालूम नहीं आ गया किस पन्ने के व्यक्ति हैं, तो ये सम्मेलन हो गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची के एक एक पन्ने पर चुनाव को सजा करके उस पन्ने के क्षेत्र में रहने वाले लोग मतदाता उनके घरों तक हमारे पन्ना प्रमुख का संपर्क हो जाए, इस मंशा से पन्ना प्रमुख की योजना लखनऊ के संगठन ने हमको दी थी और हमने भी बड़ी गंभीरता से काम किया है। आज जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के पास तो संगठन है, एक अन्य जो दल लड़वाए 20 दिनों में ना तो उन पर संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना उनके पास जमीन पर कुछ है और ना ही जनभावना उनके अनुरूप है। जब जनभावना भी अनुरूप ना हो और कार्यकर्ता ना हो तो उनकी दशा क्या होने वाली है वो आपको प्रत्यक्ष में प्रचार में आज दिखाई देती होगी कि सपा बसपा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वे किराए के मजूर लेके पीछे से वो महिलाएं किराए की चला रहे कि तुम्हें पैसा जमा पर्ची काट दो, हमारा पर्ची पूछा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन घर घर है, गली गली है, ये मेहनत है। वो पूरे भारत में हमारे नेता, हमारे गौरव और मैं तो यदि कहूँ कि संपूर्ण विश्व के नेता, भारत के मान सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाने वाले और विश्व का नेता कहने के पीछे वजह है जो भारतीय लोग हैं उन सब की सही है। जहां पर मोदी जी के फॉलोअर ना बैठे हों, आज चुनाव तो होता है हिंदुस्तान में लेकिन प्रचार शुरू हो जाता है अमेरिका से, हमारे लोग शुरू कर देते हैं, कितने उत्साह का माहौल, प्रति विश्वास। ये यदि किसी ने देश की राजनीति में बढ़ाने का काम किया है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नेता कहलाता है, किसी को नेता कह लू तो लगता था कि बेहतर कर दिया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि नेता सुनकर के अच्छा लगता है। नेता माने समाज का लीडर, और लीडर को जो काम करना चाहिए वो मोदी जी ने करना उस देश की राजनीति। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ा है, वो वर्ग जो जाति में बटा था, संप्रदाय में बटा था,
आज मैं कहता हूं कि किसी को छोड़ना नहीं है, सबके घरों में जाना है, क्योंकि यदि आप नहीं गए तो वो तो बैठे हैं आपको वोट देने, लेकिन यदि आप उनके घर तक नहीं पहुंचोगे तो निश्चित रूप से ये हमारी कमी कहलाएगी। हमको हर घर में जाना है, वो पहले ही मानते हैं, महसूस करते हैं कि हमको इस भारत की आजादी के 74 वर्ष बाद यदि योजनाओं का लाभ ईमानदारी से जमीन तक पहुंचा है, हमारे घर तक गैस आई है, हमारे घर तक शौचालय आया है, हमारे घर तक आवास की योजना आई है, और तो और यदि गरीब के घर में बीमारी आती है तो किसी चिंता सरकार ने आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से की, और देखो आप इस कोरोना के संक्रमण में जहाँ इस वक्त भारत के पास लोगों के पास रोजगार का एक संकट खड़ा हुआ, तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी और योगी ने निश्चित प्रदर्शन की व्यवस्था की, इसका लाभ गया है। हम जिनके पास वोट मांगने नहीं जाते, राई का ताजा मुखरियाना कसाई मंडी और वो वाले क्षेत्र जहाँ पर हम वोटों की कल्पना नहीं करते थे, और विपक्षी दल उन्हें बदला करके अपने पक्ष में वोट डलवा लेते थे, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ उनके घर तक बात करने की आवश्यकता है, वो भी आपको वोट देने वाले हैं। वो लोग जो एक बिरादरी विशेष के लोग हैं, सपा बसपा में जिनकी श्रद्धा आस्था थी, उनकी भी आस्था बदली है, वो भी आपको वोट देना चाहते हैं, क्योंकि योजनाओं का लाभ ईमानदारी से उनके घर तक पहुँचा है। जाने की आवश्यकता है, सिर्फ चुनाव में 8-9 दिन बचे हैं, आप सबकी जिम्मेवारी है। ये इतना बड़ा सब कार्यकर्ताओं का समूह, हमने चुनाव लड़े हैं 3 अपने स्वयं के, हमने 2 लोकसभा लड़वाई, 2 नगर निगम के महापौर के चुनाव लड़वाए, लेकिन ऐसा उत्साह इसके पूर्व में कभी भी कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं, इतना कार्यकर्ता कभी फैक्टर होता नहीं था। आज आप देखो ना कि सपा बसपा कांग्रेस सबसे लोग छोड़ छोड़ करके हमारे परिवार में शामिल हो गए, यही तो हमारे नेता के प्रति श्रद्धा और विश्वास है समाज का, क्या सारे लोग चले आ रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। आज अहिरवाद जाति के लोग, यादव जाति के लोग, जिन्हें लोग मान लेते थे कि ये लिखा है तो हम वोट नहीं देंगे हमको, लेकिन आज वो सारे लोग भी विश्वास जता रहे आपकी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी के जो सैकड़ों लोग चले आ रहे हैं अपने आप ही, हम भैंस आते हैं, हम देंगे, हमको इसके पहले ठगा गया लूटा गया, इस बार हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम आपके नेता नरेंद्र मोदी और योगी के साथ हैं, क्योंकि योगी ने उत्तर प्रदेश को सुशासन देने का काम किया, योगी ने उत्तर प्रदेश के माहौल को खुशनुमा बनाने का काम किया, योगी के बुलडोजर में जहाँ एक ओर गुंडे माफिया को खदेड़ने का काम किया, वहीं दूसरी ओर योगी जी के विकास की किरण सबके घर घर तक पहुँची है। आज इस देश प्रदेश में लोगों का विश्वास बढ़ा है उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति। निश्चित रूप से हम सारे लोग, जो लोग अभी पटना प्रमुख के दायित्व पर नहीं हैं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए थे, वो भी एक एक पढ़ने की जिम्मेवारी लेकर के हम पढ़ने तक कैसे पहुँचे। वो दल जिनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। पहले चुनाव आप लोगों ने मुझे 8,000 वोट से जिताया था, अगला चुनाव आप पर लगे तो 60,000 से जिताया था, अब की बात तो जाने क्या लोग, अब की और अब की बात 1,00,000 के लिए 10 दिन की मेहनत है, लेकिन 10 दिनों तक अब हमको चैन से बैठना नहीं है, हमको घर घर तक जाना है, अलग जगाना है, कमल का फूल खिलाना है, योगी बाबा को फिर से धन्यवाद। पदाधिकारी है संदीप सिंह जी, महेश कन्हैया जी।